पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। दो दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बड़ी रैली की थी। वो रैली हमने हिंदुस्तान को दिखाई थी और उस रैली में एक खत दिखाया था और ये दावा किया था कि उन्हें सरकार गिराने के लिए विदेशों से धमकियां मिल रही है। इमरान ने अपनी रैली ये चिट्ठी लहराकर और ज्यादा सनसनीखेज कर दी। उन्होंने विदेशी धमकियों का भी उसमें जिक्र किया। अब इस कथित धमकी भरी चिट्ठी पर पाकिस्तान में एक नई सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इमरान को चिट्ठी सार्वजनिक करने का चैलेंज दे रहा है। इमरान के गृहमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी किसी भी चिट्ठी की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रेशर के बाद आज इमरान के कुछ और मंत्री मीडिया के सामने आए और ये आरोप लगाया कि इस धमकी को दिलवाने में पाकिस्तान का विपक्ष भी विदेशी ताकतों के साथ मिला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए विदेशी ताकतें जिम्मेदार हैं? जो बागी हुए हैं ये वो लोग हैं जो अब तक इमरान के साथ थे और अब खिलाफ हो गए क्योंकि उनसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा है, ये आरोप ये बागी नेता लगा रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको बताएंगे कि कैसे चीन श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान को भी बर्बाद करने वाला है। चीन का ये नया प्लान पाकिस्तान को लेकर क्या है वो आगे हम बताएं। उससे पहले मास्टर स्ट्रोक की एक कवर स्टोरी। कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार किया, इमरान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इमरान हर तरफ से अपने लिए सपोर्ट खोज रहे हैं। जिन बागियों को कुछ दिन पहले तक लालची कह रहे थे अब उन्हीं के हाथ पैर जोड़ रहे हैं और जिन मंत्रियों की दाल रोटी और कीमा बिरयानी इमरान की वजह से चलती थी वो अभी भी ख्वाब पाले हैं कि जीतेगा तो इमरान ही। इमरान के इन आरोपों पर पाकिस्तान का विपक्ष एक सुर में जवाब दे रहा है। विपक्ष को इमरान को घेरने का मौका मिल गया है। इमरान खान के लिए 172 वोट इकट्ठे करना आसान नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी के साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं। अभी तक BAP, BNP, जमहूरी वतन पार्टी, असलम भोतानी और PMLQ के तारिक बशीर चीमा इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। गिरती हुकूमत को देख के छोटी पार्टियां भी अपने मोर्चे बदल के मुखालिफ मोर्चों में जा सकती हैं। इसीलिए इमरान खान बार बार साजिश का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने कल एक बड़ी रैली की जिसके आयोजनकर्ता पाकिस्तान विपक्ष के प्रमुख नेता फजलुर रहमान थे। हैरानी की बात यह थी कि ये रैली सुबह 4 बजे तक चली। रात को 2 बजे के बाद तो फजलुर रहमान भाषण देने के लिए आए और इमरान को जमकर। इस बीच ये भी चर्चा है कि अगर किसी जोड़तोड़ से इमरान खान सरकार बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो चुनाव जल्द करवा दें। ये मांग खुद इमरान के मंत्री कर रहे हैं। असली मुद्दा फंसेगा नए आर्मी चीफ की नियुक्ति में क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को पाकिस्तान सरकार पहले ही एक्सटेंशन दे चुकी है। नवंबर में उनके एक्सटेंशन का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। सुनिए, जब ये सवाल इमरान के मंत्री से पूछा गया तो वो कैसे बगलें झांकने लगे। शेख रशीद को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। कुल मिलाकर इमरान का सारा जोड़तोड़ इस पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान की फौज क्या चाहती है। पर्दे के पीछे इस खेल की मास्टरमाइंड पाकिस्तान की फौज ही है जिसका अब इमरान से मोह भंग हो चुका है। ABP News आपको रखे आगे।